लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गायत्रीं त्रक्षरां बालां साक्षसूत्रकमण्डलं रक्तवस्त्रां चतुर्हस्तां हंसवाहनसंस्थितां श्रीऋग्वेदकृतोत्सङ्गां सर्वदेवनमस्कृतां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनि आवाहयाम्यहम् आवाहयाम्यहम् राजा अश्वपति, रानी मालवी, तुम दोनों ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 18 वर्ष मेरा जाप किया, उपासना की और यज्ञ द्वारा मेरा आवाहन किया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं। माताश्वरी, निराश न हो, मैं तुम्हें एक ऐसी तेजस्विनी कन्या का वरदान देती हूँ जो पुत्र से भी बढ़कर होगी। समस्त संसार में अपने सत्कर्मों से कुल की कीर्ति उज्जवल करेगी। जय मातेश्वरी। इतनी कहाँ से चलती, मेरे तो आंखें चकाचौंध हो गई। धन्य बहु, धन्य बाप, सूरज का तेज, चंद्रमा का रूप, महाराज की जय हो। राजमाता ने कन्या को जन्म दिया है, तेजस्विनी, चमत्कारी। जय मातेश्वरी। नारायण नारायण। पधारिये देवर्षि, मातेश्वरी की दया से हमारी साध पूरी हुई, हमारे घर कुल दीपिका आई। नारायण नारायण। शुभम मंगलम, शुभम मंगलम। देवर्षि, इस मंगल अवसर पर आपके चरण यहाँ पड़े हैं तो कन्या का नामकरण भी आप ही के श्रीमुख से हो। एक कन्या मातेश्वरी गायत्री के वरदान का फल है। गायत्री, सरस्वती, सावित्री, ये सभी उन्हीं के नाम है। कन्या के लिए सावित्री नाम उत्तम होगा। सावित्री। ये भारत है रत्नों की खान, ये भारत है रत्नों की खान, जगत में कोई न इसके समान, यही कहते हैं वेद पुराण। नमो नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण। ये भारत है रत्नों की खान। क्या अद्भुत कन्याएं जन्मी यहाँ पे प्यारी प्यारी, भवसागर की लहरों में वो कभी ना हिम्मत हारी। यह सतियां हुई महान, जगत में कोई ना इसके समान, यही कहते हैं वेद पुराण। नमो नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण। ये भारत है रत्नों की खान। बड़े
नारी पावन है इस धरती की मंजुल कोमल नारी। कभी कभी बनती फुलवारी कभी कभी चिनगारी। इसे है ईश्वर का वरदान जगत में कोई न इसके समान। यही कहते हैं वेद पुराण। नमो नारायण नारायण नमो नारायण 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 नमो नारायण। मातेश्वरी, मनुष्य का जन्म सुख दुख और कर्म के गठबंधन के साथ ही होता है। सुख में बहक न जाओ, दुख से डर न जाओ और जीवन पर्यंत सत्कर्म का साथ न छूटे, ऐसे शक्ति देना। तुम ही गायत्री, तुम ही सावित्री, तुम ही सरस्वती हो मातेश्वरी। आर्य, ऐसी सुलक्षणी बेटी मिली भी तो उसके योग्य वर नहीं मिलता। आश्चर्य तो यह है मालवी कि सावित्री को मांगने का साहस कोई भी राजकुमार नहीं करता। ऐसी रूपवती गुणवती कन्या पर रिझने के बदले देखते ही झेप जाता है। नारायण नारायण। सूरज के आगे दीपक को झेपना ही पड़ेगा। महाराज अश्वपति, तेजस्वी कन्या का हाथ कोई महातेजस्वी राजकुमार ही पकड़ सकता है। महामुनि, विवाह के योग्य हो जाने पर कन्यादान न करने वाले माता पिता अपराधी माने जाते हैं। सावित्री का कन्या काल बीतने पर है, अब आप ही उपाय बताइए। नारायण नारायण, किसके मन कौन भाए मैं क्या जानूं। ओ, अच्छा तो ये हो कि सावित्री को ही अपना वर ढूंढने दिया जाए। आप काज महाकाज। कन्या अपना वर स्वयं ढूंढे, ऐसा कभी नहीं हुआ मुनिराज। जो कभी नहीं हुआ वो करने की शक्ति सावित्री में दिखाई दे रही है। रानी मालवी, आकाश गंगा में नहाने से सावित्री वंचित क्यों रहे। मुनिराज को प्रणाम। जुग जुग जियो सावित्री। कभी कभी यात्रा का भी आनंद लिया करो बेटी। किंतु किंतु मुनिराज, माता पिता की आज्ञा। महामुनि की इच्छा ही हमारी आज्ञा है बेटी। आज ही महामंत्री सुकेशी के साथ यात्रा का प्रबंध करवाता हूँ। नारायण नारायण। सुकन्या, अरे तुझे कहीं लगा तो नहीं? नहीं। सुकन्या, तेरा अल्लड़पन अभी तक नहीं गया। घोड़ों की रास और रास्ता छोड़कर तू बवंडर की तरह कहाँ भटक रही है? अरे भटकती लटकती तेरे पास तो पहुंच गई सकी। चुछ, कहीं रथ ने मुझे पटक दिया होता, मेरा प्राण पखेरु सटक गया होता तो तू आज किसे डांटती। तू प्राण पखेरु सटे तेरे शत्रुओं के तो बधाई दे मेरे घोड़ों को। घोड़ों को बधाई? हाँ सखी, कौन जाने तुझसे भेंट कराने के लिए रास्ता छोड़कर भाग आए हो। चल नटखट कहीं की। अरे ये डेरा डंडा लेकर तू कहाँ चल पड़ी, ये तो बता। बताना। सब बताऊंगी,
पहले तू एक बात बता। पूछ। सखी, तुझे कभी मन चाहा वर ढूंढना पड़े तो कैसा ढूंढेगी? मैं क्यों ढूंढूंगी, वही ढूंढता फिरेगा हूँ। तो क्या जो भी तुझे ढूंढेगा उसे तू वर मान लेगी? ऐसे वैसे को कैसे मान लूंगी, मैं तो ठोक बजा कर देखूंगी। क्या? कि वो मेरे पिताजी से भी बड़े बाप का बेटा है या नहीं। वीर हट्टा कट्टा सुंदर युवराज। फिर वो मेरे साथ राजसिंहासन पर बैठे तो लगे कि सुकन्या का पति योग्य है। अच्छा। मेरी भवे तने तो वो बाण चढ़ा ले। मैं आकाश को देखूं तो वो तारे तोड़ लाने के लिए चल पड़े। लो ये भी टपक पड़ी। अच्छा अब तू अपने मन की बात बता। मैं मेनका, मेनका तू ही बता, तू कैसा वर चुनेगी? जिसके बड़े बड़े बाल हो और चिचके हुए गाल हो। जैसे हुप बंदर। अच्छा चंपा तू बता कैसा पति होना चाहिए? मैं बताऊं? हाँ, बता ना। जो कुल्हे मटकाकर कमर लचकाकर चले तो देखने वाले धोखे में पड़ जाए लड़का है या लड़की। अरे अरे सबके मन की बात तो उगलवा ली और अपने डकार तक नहीं ली, बड़ी चंट है। बता तुझे कैसा जचेगा? जब जाएगा तो बता दूंगी। अच्छा तो पति ढूंढने निकली है? अरे पर कुछ बताएगी नहीं तो ढूंढेगी कैसे, तुझे बताना ही होगा। बता बता काला गोरा लंगड़ा पोटा पतला किसका शेर? बस बस चुप हो जा। सुंदरता से आंखों को क्षणिक सुख मिलता है सुकन्या, जीवन का पूरा सुख प्राप्त करने के लिए गुण आवश्यक है। कैसे गुण? नारी का जीवन धन्य करे ऐसा साथी हो जो स्वभाव से पुरुषार्थी, जीवन में संयमी और चरित्र में ऊंचा हो। ओ लगता है तूने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। नहीं रे पगली, यही भार तो मेरे माता पिता ने मेरे कंधे पे डाला है और जिसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। अच्छा तो चल मैं भी अपने माता पिता से छुट्टी ले लूं। चल, चल। मेरे दोनों हाथ रक्त की टक्कर से निकम्मे कर दिए गए अन्नदाता। रक्त की टक्कर से? हाँ माई बाप, अब हमारे बाल बच्चों का पेट कौन भरेगा? कौन था रथ रखने वाला? धूल उड़ाते हुए पवन की तरह रथ भाग रहा था अन्नदाता। आगने वालों को तो नहीं पहचान पाए पर पताका लगी थी सूरज की। हमारे राज्य का प्रतीक प्रधानमंत्री राजेश्वर, पता लगाया जाए दंड कौन था। राज रेड खापने वाली मैं थी पिताजी। राजकुमारी सुकन्या बेटी। पिताजी यदि सावित्री के सैनिक घोड़ों को वश में न करते तो आज मैं आपके सामने जीवित नहीं होती। सुकन्या अपना लहू पसीना एक करके अन्न उपजाने वाले इन किसानों की कितनी बड़ी हानि की है ये जानते हो? महाराज हानि लाभ की समझ मनुष्य में होती है, पशु पशु है। सुकन्या विवश थी। विवशता में भी अपराध अपराध है। सुकन्या को बसंत ऋतु बीतने तक राजभवन से बाहर पांव न रखने का दंड दिया जाता है। सुकन्या किसानों की हानि की पूर्ति राजकोष से की जाए प्रधानमंत्री। जो आज्ञा राजेश्वर। वसंत ऋतु बीतने तक राजभवन के बाहर पांव न रखूं, क्या इन मूर्तियों के आगे आंखें बांटती रहूं, दीवारों से माथा ठोकती रहूं, वन की वाड़ों में घुटती रहूं। पगली सोच तो, तेरे पिता तुझे दंड नहीं देते तो प्रजा उन्हें पक्षपाती कहती, अन्यायी कहकर पुकारती, क्या ये तू सुन सकती?
सह सकती? सखी, माता पिता की आज्ञा का पालन ही संतान का कर्तव्य है। और फिर बसंत ऋतु तो हंसते खेलते चुटकियों में क्यों बीत जाएगी? तेरा क्या हो, मैं बंदी हूं, तेरा साथ भी नहीं दे सकती। मेरी चिंता छोड़ सके, कर्म भूमि में जीवन और भाग्य की लड़ाई तो होती रहती है, निबट लोगे। सावित्री, माता पिता की चिंता का बोझ तुमने अपने सिर पर उठा लिया है, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें सफलता मिले। भगवान तुम्हें मनोवांछित वर मिला है बेटी। अरे मुन्ने, मां, अरे मुन्ने जल्दी से बंठन के आ जा, राजा आशुपति की बेटी सावित्री आई है तुझे देखने। आए? मुझे देखने? सावित्री मुझे क्या देखेगी? माँ, सावित्री, जावित्री, कवित्री, जंत्री, मंत्री, तंत्री, सबको एक हाथ में देखूंगा। अरे वो तेरे साथ लड़ने नहीं आई है। तो क्या साथ पढ़ने आई है? अच्छी अच्छी बातें करने आई है। तुम भी माँ पीछे की बात आगे और आगे की बात पीछे करके घोटाला कर देती हो। हमारा कुमार विद्यालय से अभी अभी निकला है, उसको बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर कुछ बाहर भीतर का पूछोगी तो घोटाला हो जाएगा माँ। जय भवानी, जय दुर्गे। ये क्या राजकुमार, सावित्री तुमसे छोटी है। छोटी हो या बड़ी, नारी माता का स्वरूप है। सत्य है, है? और पुरुष बालक का स्वरूप होता है, ये मानने वाले को आजीवन कुमारा रहना चाहिए, अखंड ब्रह्मचारी। सत्य, निसंदेह सत्य, अखंड ब्रह्मचारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अप्सराओं को भी लज्जित करने वाले सौंदर्य पर, हिमालय को भी हिला देने वाले यौवन पर मदन न्यौछावर है। देखते ही सौंदर्य और यौवन पर निछावर हो जाने वाले, लगता है जीवन का मूल्य नहीं जानते। ठीक लगती हो, क्या क्या जानती हो? जो कुवारी कन्या को माता पिता के घर में जानना चाहिए, प्रेम करना। जानती हूँ। मुझसे प्रेम करती हो? हाँ, पवित्र प्रेम। सच मुझे चाहती हो? हृदय से। तो आओ हृदय से लगा लूं, पलकों में छिपा लूं, अंक में भर लूं। हाँ 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 हाँ, प्रेम के आवेश में कहीं प्रेम की पवित्रता नष्ट ना हो जाए। ये क्या सावित्री? प्रेम की साक्षी, बहन की रक्षा भाई के हाथ में। भाई? हाँ। नहीं सावित्री, नहीं, मैंने तुमको पत्नी के रूप में चाहा है, पति की आंखों से देखा है। तो पति की आंखों में भाई की पुतली बिठा लीजिए। और नहीं सावित्री, नहीं, यह नहीं हो सकता है। मदन सेन ने आज तक जो चाहा है वो पा कर रहा है। सावित्री, मैं तुम्हें पत्नी बनाकर रहूंगा। राजकुमारी, सावित्री, ये दाल भात में मुसलचल कहां से आ टपका? किसने बुलाया इस खुसट को? सावित्री, महाराज चंद्रसेन निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटी, मेरे ध्यान में तुम्हारे योग अब कहीं कोई राजकुमार दिखाई नहीं पड़ता, जहां तुम्हें ले चलूं। माता पिता की चिंता दूर करने का
कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अब तो घर लौटने के सिवा मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। घर लौटने से तो माता पिता का दुख और बढ़ जाएगा। मैं उनका बोझ बन जाऊंगी। बोझ बनकर मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी, पर घर नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। पहली परिस्थिति से अताहश होकर काय नहीं बनना चाहिए। धीरे से सोच समझ कर निर्णय लेने चाहिए बेटी। शांति से सोचो, सोचो, सोचो। हमारी फूल जैसी बेटियां कहां कहां भटकेगी, कहीं कुछ हो गया तो। जो कभी नहीं हुआ वो करने की शक्ति सावित्री में दिखाई दे रही है रानी मालवी। हो सकता है उसके तेज पर संजोग ही रीत जाए। तेरा क्या होगा सखी, मैं तेरा साथ भी नहीं दे सकती। मेरी चिंता छोड़ सके, कर्मभूमि में जीवन और भाग्य की लड़ाई तो होती रहती है, निपट लोगी। क्या बात है, घबराहट कैसी? राजकुमारी सावित्री भीतर नहीं है, लगता है कहीं चली गई। चली गई? करने वाली एक यक्ष कन्या, मुझ पर माया जाल। हृदय किसी को पाने के लिए पागल हो उठे वो माया जाल नहीं, प्रेम है युवक। प्रेम इस मूल से जिससे वासना की गंध आ रही है। भोले ब्रह्मचारी, तुमने पोथियों की भाषा पढ़ी है, हृदय की नहीं। शब्द रट लिए हैं, स्वाद नहीं लिया। आओ, इस हृदय पर हृदय। निर्लज चरित्रहीन नारी का धन है, मैं तुम्हें अभी मार डालता, परंतु स्त्री को शक्ति मानकर पूछता हूं, इसलिए छोड़ देता हूं। चले जाओ यहां से, फिर कभी यहां आने का साहस ना करना। Thank you.
जिसे मैंने मारा है। बाप कुल्हाड़ी से मरा है, बाण से नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है। राजकुमारी सावित्री जो कहें, जैसे कहें, प्रेमी मदन मानने को सदा तैयार है। प्रेमी का काम है प्रेमिका को बचाना, बचा लिया। तुम भाषा से निर्लज्ज और भावना से विलासी हो, प्रेमी नहीं। प्रेमिका प्रेमी को पहले पहल यही कहती है, निर्लज्ज विलासी, क्योंकि प्रेम दो ही प्रकार से होता है, चुपके से या झगड़े से। इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई भी वाणी प्रिय है, तुम्हें पाना मेरा लक्ष्य है। मदन सेन, मेरा मुंह तोड़ उत्तर पाने के बाद भी तुम्हारा ये बर्ताव घोर आपत्ति को ललकारना है। भला इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। सावित्री, मेरे फंदे से तुम निकल नहीं सकती। जंगली बल नहीं और बन गया बावरिया लट्ट। प्रेमी का ऐसे नहीं मिलती कायर। प्रेमी का पशुता से नहीं पवित्रता से मिलती है। प्रेमी जी, बचाओ बचाओ। आइए प्रेमी महाशय जी। आज
आज तो हम धरती की धूप से आज तो हम धरती की धूप से प्यार की छांव में आए प्रेम की पायल पहन पाओ प्रेम की पायल पहन पाओ पिया के गांव में आए एक महल की सुंदर मैना एक महल की सुंदर मैना देखो जंगल का गीत हो गई कुछ तुम बढ़े कुछ हम बढ़े कुछ तुम बढ़े कुछ हम बढ़े दोनों में प्रीत हो गई चुपके 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 साथ बंधे दो मन कहने को तो अलग अलग हम पर दोनों की एक धड़कन कहने को तो अलग अलग हम पर दोनों की एक धड़कन एक छोटी सी पहचान एक छोटी सी पहचान जिंदगी भर की जीत हो गई कुछ तुम बढ़े कुछ हम बढ़े कुछ तुम बढ़े कुछ हम बढ़े दोनों में प्रीत हो गई चुपके 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 मुझसे लाज कैसी बेटी मैंने भी ये दिन कभी देखा है कौन हो युवक मुझे सत्यवान कहते हैं कहाँ रहते हो गौतम ऋषि के आश्रम में अपने अंधे माता पिता के साथ अंधे माता पिता माता पिता के दर्शन आश्रम में आपके चरण पड़ने से मैं धन्य हो जाऊंगा जय हो कामधेनु माता जय हो आजा 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 देख स्नान तो करा दिया ना माता बस पूजा वार कर ले अब यार पूजा करना तो श्रीमती सरस्वती देवी का काम है तो फिर पंडित चरणदास जी का क्या काम है देवी अखंड पति भक्ति का पालन पत्नी जो कहे जैसे कहे ऊपर से नीचे तक पत्नी की संपूर्ण सेवा दास तेरी की न चूल्हे की न चक्की की खाने की पक्की क्या कहा दिखाओ तेरा हुआ ताल नहीं चंडी के नहीं तेरी तो एक ताल नहीं त्रिताल चौताल झपताल बेताल पाताल सब कुछ दिखाई दे जाता है दीदी अभी सब ताल एक साथ दिखाती नहीं दीदी जी बेजी अपना अरे वाह चरणदास जी आज तो भाभी बड़े प्रेम से आरती उतार रही है बहुत प्रसन्न है पूछने की बात नहीं बंधु समझने की बात है वो तो आपके आगमन के कारण लज्जावश प्रसन्नता में कुछ कमी रह गई नहीं तो आरती क्या बहुत कुछ चढ़ाती उतारती है घनघोर सती है ये है मेरे मित्र पंडित चरणदास जी बहुत बड़े जनसेवक हैं और ये हैं उनकी श्रीमती सत्यवंती देवी
बेचारी गऊ है, बैल है। बेल, फूलों की बेल। रूप रंग से, चाल ढाल से राजकुमारी लगती है। अरे लगने दे, तू भी तो यमराज कुमारी। री, 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 री। ये है दीन की कुटिया, बैठे हुए मेरे माता पिता है। बेटा। सत्यवान। माँ। राम पिताजी। महाराज तुम्हें से? कौन? महाराज अशुपति का मंत्री सुकेशी। सुकेशी आओ बैठो। कल्याण हो, तुम कौन? महाराज अशुपति की कन्या कुमारी सावित्री। सुखी रहो बेटा सत्यवान। पिताजी वन में अचानक मंत्री महोदय से भेंट हो गई, इन्होंने हमारी कुटिया देखने की इच्छा प्रकट की। आपकी आज्ञा लिए बिना ही मैं इन्हें यहाँ ले आया पिताजी। अतिथि सत्कार तो गृहस्थ धर्म का श्रेष्ठ अंग है बेटे, अतिथि सौभाग्य से आते हैं। पिताजी मैं उनके लिए कुछ फल ले आता हूँ। अवश्य। सुकेशी हमारे मित्र अश्वपति और महारानी मानवी सब कुशल से तो है ना? सब भगवान की दया है महाराज, किंतु आप यहाँ इस दशा में, ये भी सब भगवान की ही दया है। सुकेशी मेरे भाई चंडसेन ने सारा राजपाट छीन लिया, तब से हम लोग यही रह रहे हैं। तुम कहो कैसे आए? एक शुभ इच्छा लेकर आया हूं। महाराज अशुपति के सामने कुमारी सावित्री और सत्यवान के विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। नहीं सुकेशी। कहां फूलों पर पांव धरने वाली सावित्री बिटिया, कहां कांटों में भटकने वाला हमारा सत्यवान, कहां राजभवन, कहां ये कुटिया। कन्या जहां भी जाती है अपना भाग लेकर जाती है महारानी, कल क्या होगा कौन जानता है। मेरी आत्मा को ये स्वीकार नहीं। पिताजी जहां दो आत्माओं का मिलन ही विवाह की परिभाषा है, मिलन का आनंद ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, वहां शारीरिक सुख दुख का मूल्य महत्व तुच्छ है। बेटी यौवन की आंखें बालक के समान होती हैं, जो सत्य असत्य को जाने बिना ही सुंदर खिलौना देखकर पाने के लिए मचल उठता है। इस बालक ने यौवन की आंधी में भी सत्य को परखा है, खिलौना रूपी इस काया को पति और कुटुंबी जनों की सेवा में सौंपने का, आप सबके सुख दुख को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया है। मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए पिताजी। किंतु सत्यवान क्या चाहता है ये तो हमने जाना ही नहीं। माता पिता की आज्ञा ही मेरे लिए तो सब कुछ है। सुकेशी मित्र अश्वपति से कह सकते हो, ऐसी पुत्र वधु पाकर हम धन हो जाएंगे। नारायण नारायण। बहुत हंस रहे हैं यमराज। क्या आप चाहते हैं कि मैं रोने लगूं? नारायण न करे कोई रोए यमराज, किंतु आप जिसका प्राण लेकर आए उसके सगे संबंधी कितना रो रहे हैं ये तो सोचा होता। पीछे की बात आप सोचिए, मैं आगे की सोचता हूं। ये प्राण एक शरीर छोड़कर जहां दूसरा शरीर धारण करेगा वहां कितना आनंद होगा, ये सोचकर मैं भी अपने नियम पालन का आनंद ले लेता। तो लीजिए आनंद, पालिए नियम। नारायण नारद जी, आप शोक मनाने जा रहे हैं? आशीर्वाद देने जा रहा। किसका भाग्य जगने वाला है? राजा अश्वपति की कन्या सावित्री का, जिसका वागदान राजा जुमत सेन के पुत्र सत्यवान से होने जा रहा।
सत्यवान से। नारद जी, आपका आशीर्वाद कहीं अभी शाप ना बन जाए। ये शंका है या चुनौती? चेतावनी। सत्यवान की आयु केवल एक वर्ष की शेष रह गई है। केवल एक वर्ष की? संयम और सत्कर्म से आयु भी बढ़ सकती है। नहीं, एक वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु विधि का विधान है। कर्म का फल भी विधि का ही विधान है यमराज। हो सकता है सत्कर्मों के फल स्वरूप विधाता को भी अपना विधान बदलना पड़े। नारद जी, ये केवल भ्रम है। यम अर्थात नियम, इसे कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती। ये समय सिद्ध करेगा। नारायण नारायण। अच्छा हुआ आप पधारे, सावित्री को आप ही समझाइए। इस पगली ने ऐसा वर छूना है जिसका न ठौर न ठिकाना, आंसू बहाते जीवन जाएगा। सावित्री से ऐसी भूल? नारायण नारायण, कौन है वो वर? आश्रम निवासी द्युमत सेन का पुत्र सत्यवान। सत्यवान? नारायण नारायण, वर तो सभी प्रकार से योग्य ही चुना है राजन, किंतु। किंतु क्या मुनिराज, कहिए ना। सत्यवान अल्पायु है। अल्पायु? सत्यवान की आयु अब केवल एक वर्ष की। एक ही वर्ष की? सावित्री, यह जानकर भी सत्यवान का विचार करना पागलपन ही होगा बेटे। हट छोड़ दे, पिता का आग्रह मान ले। पिताजी, उनकी आयु एक वर्ष की हो या एक दिन की, आपकी बेटी उन्हें आत्मसमर्पण कर चुकी है। ऐसा ब्याह करने से तो कुंवारी रहना अच्छा है मेरी लड़ली। बेटी का विधवापन एक माँ किन आंखों से देख पाएगी, किस हृदय से सहन कर सकेगी? जो होना होगा होगा माँ, अब तो इस जीवन के स्वामी वही है। एक जन्म में दो पति आर्य कन्या के नहीं होते। आंख रहते अंधा भी कोई नहीं बनता सावित्री। हम जानबूझकर कुएं में तुझे नहीं गिरने देंगे। तुझे अपना यह संकल्प त्यागना ही पड़ेगा। संकल्प त्यागने से तो अच्छा है प्राण ही त्याग देना। मातेश्वरी, मैं धर्म संकट में हूं। आज अपने आत्मसमर्पण और माता पिता के निश्चय की टक्कर में उलझ गई हूं। क्या करूं क्या ना करूं, मार्ग दो मार्ग दो। मार्ग एक ही है, सत्यवान से विवाह। अल्पायु पति के लिए दीर्घायु करने वाले वट वृक्ष का निरंतर पूजन आने वाले ज्येष्ठ मास की 13, 14 और पूर्णिमा 3 दिन तक निर्जल निराहार उपवास, चौथे दिन पारण करना उत्तम व्रत है। कल्याण हो। कल्याण अवश्य होना चाहिए। नारी शक्ति की कल्याणकारी गाथाएं आज भी धरती पर अमर। पतिव्रता नर्मदा ने सूर्य की गति रोक दी थी। सती वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बना दिया था। सावित्री, संयम और सदाचार से ये व्रत करना, अखंड सौभाग्यवती हो बेटी। राजन, मातेश्वरी के संकेत को सौभाग्य मानकर विवाह का शीघ्र आयोजन कीजिए।
जैसी महामुनि की आज्ञा, मातेश्वरी की इच्छा। नारायण 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 नारायण। पधारिए पधारिए, संकट उपचार से आज तो आप आनंद की फुहार लाते हुए आ रहे हैं। घर बसाकर आ रहा हूं सत्यवान सावित्री का। सत्यवान सत्यवान सावित्री का? हाँ। चेत प्रभो, मेरी चेतावनी के बाद आपने ये विवाह करा के अच्छा नहीं किया। नारद के हाथ से अभी तक तो किसी का भी बुरा नहीं हुआ धर्मराज। किंतु एक वर्ष बाद सावित्री विधवा होगी ही, मेरी शक्ति को कोई छू नहीं सकता। अभिमान से उठा हुआ मस्तक कभी भी झुक सकता है? काल के आगे संस्थान मस्तक झुकाता है, यही नियम कभी निष्फल नहीं हुआ। नारद का आशीर्वाद भी कभी निष्फल नहीं हुआ यमराज। मैं सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे चुका हूं। इसका परिणाम एक वर्ष बाद देखेंगे। आपकी और मेरी भेंट भी एक वर्ष के बाद ही होगी। नारायण नारायण। आओ चलें। सिद्धेश्वरी के चरण आज कहाँ चले? नृत्य लोक में, सत्यवान और सावित्री के स्वागत का आनंद लेने। इस रूप में? नहीं विधाता, इस रूप में। Thank you.
सावित्री ने आश्रमवासी सत्यवान से विवाह कर लिया, लगता है इसीलिए सुकन्या को सूचना नहीं भेजी। भेजी थी सूचना, तो गई क्यों नहीं? जाती कैसे, राजा ने दंड जो दिया था। माँ बेटी दोनों ही पागल, दंड की अवधि तो पूरी हो गई। सुकन्या है कहाँ? सुकन्या, सखी, क्या हुआ? अरे तेरी सिसकी क्यों बंधी हुई है, डर क्यों गई इतनी? पगली गई, ले पानी पी ले। सुकन्या कुछ बता तू, क्या हुआ? अरे बता दो ना। जाने मुझसे अनर्थ हो गया सखी, मेरे हाथ से किसी तपस्वी की आंखें फूट गई। तपस्वी की आंखें कैसे? खेल खेल में सखी। अरे ये तीखे नैनों के बाद आज किसी को घायल करके ही छोड़ेंगे। चल मंजलि कहीं गया। को निशाना बनाना है, कोई पंछी भी तो नहीं। मंजलियों के मुंह का पानी सुखाना है। बाप रे, बड़ी गवाह है सबकी, सब वाहवाही तकनीकी और गपत में लगी। रुक कर तो तू है, नागमणि लगते हैं, नहीं रे जुगनू है, मुझे तो तारे लगते हैं। बुद्धू, तारे कहीं मिट्टी के ढेर में होते हैं? कौन जाने, राजकुमारी के नैन बांग से टूटकर गिर पड़े हूँ, अभी पता चल जाएगा क्या है। मेरी आंखें फोड़ने वाली कौन है? अरे ये तो कोई पुरुष है, कोई तपस्वी है, घोर अपराध हो गया। अब तो सुकन्या को महाराजा शेजाती दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे, कहीं मुनि ने शराब दे दिया तो भागो। कुछ नहीं सोचता मैं, क्या करूं सकी? प्रायश्चित। कैसा प्रायश्चित? आंख बिना जीवन एक बोझ होता है सखी। तूने जिसकी आंखें फोड़ी है उसके जीवन का बोझ उठाना ही तेरे अपराध का प्रायश्चित है। राजेश्वर, अंग अंग में भयंकर दर्द हो रही है। राज्य में अवश्य किसी ऋषि मुनि या तपस्वी का कोई अनिष्ट हुआ है। अनिष्ट मेरा हुआ है राजा शरियाती, तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें फोड़ी हैं। हमारी बेटी ने आंखें फोड़ी? सुकन्या ने
ये धनुष बाण साक्षी हैं। तत्वगुण की मूर्ति मुनि श्रेष्ठ चवन, हमारी सुकन्या बालक बुद्धि में ऐसी घातक भूल कर बैठी होगी, उसे क्षमा करे। दया करे मुनिवर। दया की, इसलिए श्राप देकर उसे भस्म नहीं किया, किंतु क्षमा नहीं कर सकता। पुत्री की भूल का दंड पिता को जो उचित समझे दे मुनि श्रेष्ठ। तो सेवा के लिए पत्नी के रूप में तुम्हारी बेटी मांगता हूँ। बेटी? हमारी सुकन्या? नहीं मुनि श्रेष्ठ, नहीं। सेवा के लिए जितने दास दासियां चाहिए ले लीजिए, धन वैभव ले लीजिए, सारा राजपाट ले लीजिए मुनि श्रेष्ठ, हमारी सुकन्या को न मांगिए। तपस्वी के लिए धन वैभव राजपाट सभी निरर्थक है, तप धर्म और यज्ञ आदि कर्म ही उत्तम है। उनका फल दास दासियों से नहीं पत्नी के ही करने से मिलता है, इसलिए तुम्हारी बेटी मांगता। दिया लेकर कोई गड्ढे में नहीं गिरता मुनिवर। हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। नहीं, ओम शिवम। महर्षि शांत, क्रोध लौटाने की कृपा करें। आपकी सेवा में सुकन्या का जीवन समर्पित है देव, स्वीकार कीजिए। ओम शिवम। सुकन्या बेटी, ये तुमने कैसा निर्णय ले लिया बेटी? अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, ये आप ही का निर्णय है पिताजी। मेरे अपराध का यही एक प्रायश्चित है, जीवन भर देव की सेवा होनी होकर ही रहती है। महाराज, आप दोनों स्वेच्छा से महर्षि चवन के चरणों में सुकन्या को सौंपकर आशीर्वाद लीजिए। मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम। ओम शिवम। ओ ओ सत्यवंती, सत्यम्बत। अरे कहाँ वड़ंचू हो गई थी? अरे ये तेरा पिता नहीं तेरा पति पूछ रहा है, उत्तर दे। मैं गई थी सती जरी मरी के मेले में। वाह, और उठा के ले आई पीपड़ी, जैसे इतनी सी है, घन चक्कर कहीं की लाज भी नहीं आती। लाज तो तुम्हें आनी चाहिए, जब तक बजाने वाला कोई नहीं तब तक अपुन ही बजाएंगे। नकटी। क्या कहा? मैं नकटी? हाँ हाँ, नकटी, पूरी की पूरी नकटी। अस्थिर भक्त की तरह पड़ी पड़ी ककड़ियां तोड़ रही है, चाल रोटी पका, भूख लग रही है। आज सतवंती की छुट्टी है, पतिदेव सारे बर्तन बांध डाले, ये सती की आज्ञा है। सत्यानाश हो ऐसी सती का। बर्तन मांजू मैं और सती की पदवी चिपकाए फिरे तू? अरे मैं तो जन्म से ही सतवंती हूँ। तेरी की लक्षण पूरे के पूरे, कर्कशा के, और नाम सतवंती, और इतना नाम तो लतवंती होना चाहिए था, सतवंती पता नहीं किस गधे ने रख दिया। क्या मेरा नाम रखने वाला गधा? मेरा बाप गधा, मैं गधे की बेटी, दिखाओ तेरा वादा। गधा तुम्हारा पिता नहीं तुम्हारा पति है देवी, इसे क्षमा कर दो। एक गंगा कहीं से आई, एक जमुना कहीं से आई, जगत के पथ पे चलते चलते संगम बन गई। एक प्रीत के पुनित प्रयाग में
जाके तीरथ अनुपम बन गई। एक गंगा कहीं से आई, एक जमुना कहीं से आई, जगत के पथ पे चलते चलते संगम बन गई। देश की एक बेटी ने अपने धर्म को निभाया, आर्य देश की एक बेटी ने अपने धर्म को निभाया। एक जन्म में कोटि जन्म का सती ने कमाया, संकट जो पड़े सब हंस के सहे, कभी किसी को वचन कड़वे न कहे। जब दो आंखों में कमावस थी एक दुल्हन पूनम बन गई। एक गंगा कहीं से आई, एक जमुना कहीं से आई, जगत के पथ पे चलते चलते संगम बन गई। को कुछ न पता था कि उसने क्या खोया क्या पाया, सती को कुछ न पता था कि उसने क्या खोया क्या पाया। अनजाने ही गंगा का मन सागर पर ललचा, जब भाग्य ने एक पलटा खाया और त्याग का जब अवसर आया, एक राज महल की चंचलता पल भर में संयम बन गई। एक गंगा कहीं से आई, एक जमुना कहीं से आई, जगत के पथ पे चलते चलते संगम बन गई, संगम बन गई, संगम बन गए। यही है गौतम मुनि का आश्रम और वो रही सत्यवान की झोपड़ी। चाचा जी की दुर्दशा की खिल्ली उड़ाते हैं आज। आओ चाचा जी। कौन? आपका भतीजा मदन। हम मर गए हैं कि जी रहे हैं ये देखने के लिए आए हो मदन? क्षमा कीजिए चाची जी, अरे बड़ों की आगे बच्चों की क्या चलती है। मेरे लिए तो जैसे पिताजी वैसे ही चाचा जी। अच्छा अच्छा, कैसे रास्ता भूल गए मदन? विजय करके लौट रहा था,
भूख लगी थी, किंतु अधिक भूख तो आपके दर्शन की थी, तो देखने चला आया। आपको देखकर आंखों की भूख मिट गई। आए हो तो पेट की भूख मिटाकर ही जाओ बेटे। अकेला होता तो फलमूल भी खा लेता, इतनी बड़ी सेना का पेट आश्रम में कहां से भरेगा? आश्रम में एक जीव नहीं, अनेक जीव पलते। अतिथि धर्म का पालन होगा ही। पिताजी, मैं भोजन का प्रबंध करती हूं, तब तक अतिथि विश्राम करें। माता कामधेनु, मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारी महिमा है। आज आतिथ्य धर्म को कलंक ना लगे, यही मेरा मनोरथ है। मेरी विनती है मैया मां। बेटी सावित्री, अतिथियों को भोजन कराओ, जाओ। भोजन बन गया है, अतिथि पधारे। बात की बात में इतने लोगों के लिए भोजन बन भी गया। गृह लक्ष्मी के हाथ में अन्नपूर्णा का निवास होता है मदन। भोजन के लिए जाओ बेटा, जाओ बुलाओ सेना को। आइए। भले ही फट जाए पर आज कुछ नहीं छोड़ू। छोड़ रहे हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हाथ मेरे गले का हार बने होते तो जीवन कितना स्वादिष्ट हुआ होता। जिस स्वाद के लिए आज भी तरस रहा हूं। सावित्री, प्रिय, अरे ये सब क्या भोजन? तुम इसको क्यों दिया? मैं कोई भूखा शरणार्थी होकर नहीं, निमंत्रण पाकर आया हूं। किसने दिया? पिताजी, ये आपके चचेरे भाई मदन सेन। पिताजी का राज हड़प कर इस दशा में पहुंचाने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। मैं इसे अभी नहीं। अपने द्वार पर शत्रु का भी सत्कार करना गृहस्थ का सनातन धर्म है आर्य। चलो। भोजन करके जाइए,
अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं। सावित्री से सावधान धर्मराज, कामधेनु और वटवृक्ष के नित्य पूजन से, सास ससुर की सेवा से, पातवृत धर्म के पालन से, आश्रम वासियों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सावित्री के पुण्य का भंडार पल पल बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो चित्रगुप्त, सत्कर्म से आयुष को बढ़ाना घटाना मनुष्य के हाथ में नहीं, किंतु सतीत की जड़ को जबले से पहले ही उखाड़ देना। मंदर सावित्री के नित्य कर्म में बाधा डालने का उपाय करो। वो रही सावित्री, मैं बनता हूँ सत्यवान और मैं बनता हूँ सुकन्या और करते इसका व्रत भंग। अरे आज ही नटखटपन कैसे सुझा? अवसर सब सुझा देता है। आर्य भी ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं, ये मुझे पता नहीं था। पता होता तो प्रतिदिन इसी समय पानी भरने के बहाने आ जाया करती। आज कैसे आई? आज पिताजी के धर्म कार्य में पानी घट गया। पिताजी के धर्म कार्य और माताजी की सेवा में ही सारा जीवन बिताने के लिए विवाह किया था या पति का ध्यान रखने के लिए? पति का ध्यान रखना तो पत्नी का व्यक्तिगत धर्म है आर्य, तीर्थ स्वरूप माता पिता की सेवा करना पारिवारिक धर्म है। वे नेत्रहीन है, उनके सहारे हम ही हैं। तो तुम उनका सहारा बनी रहो, मैं अपना सहारा ढूंढता हूँ। आर्य आर्य सावित्री, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरा साथ देना है तो ये सेवा व्रत उपवास भट पूजन इत्यादि छोड़ दो। सेवा व्रत पूजन ये सत्कर्म तो जीवन के आधार है आर्य, इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अचानक ऐसा परिवर्तन, आज आर्य को क्या हो गया? सत्यवान ओ प्राण प्यारी। सुकन्या तुम यहाँ? हाँ, बुढ़े पति से उबकर आश्रम छोड़ आई हूँ। मैं भी सावित्री के व्रत और उपवास से ऊब गया हूँ सुकन्या, आओ हम दो दुखी एक होकर सुखी हो जाएं। आर्य मेरे पीछे क्यों आई हो? आज आपका मन स्वस्थ नहीं लगता, चले आश्रम चले। सुकन्या तू जा अपने पति के पास। मैं अपने मन की स्वामिनी हूँ, तू आके देने वाली कौन है? तुम ढलो यहाँ से नहीं तो। मार मत तुम। यमदूत चंदर बंदर, ऐसा दुस्साहस कैसे किया? कालदेव की आज्ञा से। तुम्हारा तप और व्रत भंग करने के लिए देवी क्षमा दया देवी दया। सावधान, फिर कभी किसी का व्रत भंग करने का दुस्साहस न करना। जाओ। सावित्री प्रिय आर्य आर्य आर्य
क्या बात है? रो क्यों रही हो प्रिय? लगता है आरी, मैं संसार में एक समस्या बनकर जन्मी हूँ। मैं जो जो श्रद्धा और आत्मविश्वास का दीप जलाती हूँ, तो उसे बुझाने के लिए आंधी का एक ना एक झोंका आता ही रहता है। समझ नहीं पाती किसको क्यों इतनी ईर्ष्या है। किसी ने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है प्रिय? नारायण नारायण, सुख दुख के संगम को ही तो जीवन कहते हैं बेटी सावित्री। जहां सिद्धांत वहां संघर्ष, जहां सत्कर्म वहां विरोध, जहां लगन वहां जलन भी होती है। आंधियां उठती रहे और विश्वास का दीप जलता रहे, इसी में तो जीवन की सफलता है बेटी सावित्री। अपने सत्य और कर्म से डिगना नहीं। नारा नारा नारा। अश्वनी कुमार, सती शक्ति ने आपके पिता सूर्य देव को भी धरती पर लाकर छोड़ा है। यह तो सूर्य कमल है। इसे यहां लाने वाले सती कौन है? सती सुकन्या, जिसने अपने कर्तव्य के आगे पिता का राज्य वैभव ठुकराकर अंध और वृद्ध चिवन ऋषि की सेवा में जीवन अर्पण कर दिया। जिसकी एक एक सांस में त्याग की भावना भरी, जिसका डग डग सद्धर्म के साथ बढ़ता। विश्वास कैसे हो देवर्षि? विश्वास के लिए प्रमाण और प्रमाण के लिए परीक्षा। नारायण नारायण। परीक्षा। आ सुंदरी, प्रकृति ने यह रूप कमल धूप में झुलसने के लिए नहीं, नयन सरोवर में खिलने के लिए दिया है। ये मधमाता यौवन जीवन में रस बरसाने के लिए है। तरुणी, मेरे जीवन का मूल्य मेरे पति जानते हैं। तुम्हारा पति कैसे जानेगा? उसने तो तुम्हारा रूप रंग देखा भी नहीं। बुढ़ा, अंधा। चुप रहो, तुम आंख रहते हुए भी अंधे हो, तरुण होते हुए भी खुसट हो। विवाह के आदर्श को तुम क्या समझो? विवशता को संतोष भले ही मान लो सुंदरी, पर बासी कड़ी में उबाल नहीं आता, ये तो तुम्हारा भी मन कहता होगा। हमारी मानो
तो उस बुढ़े तपस्वी से पल्ला छुड़ा लो और हम दोनों भी जो भी तुम्हें जचे उससे विवाह कर लो। संसार में हमसे सुंदर कोई नहीं। सुंदरी, हमारे सौंदर्य से कामदेव भी लज्जित है। सौंदर्य का ढोल पीटने से पहले पानी में अपने मुखड़े तो देख लो। मैं बंदर, मैं गधा। संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव और उनके पुत्रों के मन में इतना अंधकार, ऐसा भ्रष्ट विचार। हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी देवी, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा सद्धर्म अनुपम है। उसके फल स्वरूप हम तुम्हारे पति को नया जीवन देना चाहते हैं देवी, हमें महर्षि के पास ले चलो। आइए। महर्षि चवन को अश्विनी कुमारों का नमस्कार। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की कृपा कैसे हुई? महर्षि की सेवा के लिए हम आपके नेत्र और शरीर पर आयुर्वेद का एक विशेष प्रयोग करना चाहते हैं महर्षि। कायाकल्प यदि संभव है तो आपकी ये कृपा मेरी पत्नी सुकन्या पर होगी सूर्य कुमार। ये उसके सुख सौभाग्य के उदय का संकेत है, आदेश दीजिए। प्रयोग जल में करना होगा मुनिवर। सुकन्या, आके दिए हमारे हितेशी अश्विनी कुमारों के आदेश का पालन होना चाहिए। आर्य देवी, तुम जल में नहीं जा सकते, प्रयोग सफल होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। करूंगी, जब तक आप लोग मेरे देव को लेकर लौटेंगे नहीं, मैं यही प्रतीक्षा करूंगी। चिंता ना करना सुकन्या, अश्विनी कुमारों पर विश्वास रखना। महारानी, महारानी संदेश वाहक कहता है कि आश्रम में न सुकन्या है न चवन ऋषि। क्या आश्रम छोड़ गए? तो गए कहाँ? कुछ पता नहीं, चलते हैं ढूंढने। चलिए। मेरी तिल कहाँ है? दिनों में तुम्हारे पति कौन है पहचान लो, ये तुम्हारी कसौटी है सती, पहचानो देवी। कैसी समस्या है, मैं अपने देव को कैसे पहचानूं? क्या उपाय करूं? हे भगवान भास्कर, आप तीनों में से कोई मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। पूछो पूछो। एक था दिया, दिए के ऊपर था मिट्टी का ढेर, फिर भी दो किरणें जगमगा रही थी, वहां आई आंधी और किरणें बुझ गई, बताइए क्या था? तपस्वी बैठा था समाधि में, उसके ऊपर था मिट्टी का ढेर, फिर भी उसकी दोनों आंखें चमक रही थी, वहां आई यौवन की आंधी और आंखों की ज्योत बुझ गई। देव, देव, अश्विनी कुमार, आप दोनों का आभार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये सब तुम्हारे त्याग और सद्धर्म का परिणाम है देवी, जो तुम्हारे नए जीवन को अधिक आनंदमय कर देगा। फिर पलकों का डाल के
बदले गए आज रे। प्रेमालाप कर रही थी वो दुराचारी कौन है? वही है पिताजी, मेरे पति। हमने तेरा हाथ इस विलासी युवक के हाथ में नहीं, अंध वृद्ध चवन ऋषि के हाथ में दिया था। सच है, किंतु देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों ने उसकी काया पलट कर दी, वृद्ध को तरुण बना दिया, अंधे को आंखें दे दी, ये भी सच है। वासना के कीड़े हमारी भोली भाली बच्ची को यौवन के जाल में फंसा कर सच्चाई की साक्षी दे रहा है। पिताजी, संध्या में सत्य को आप लांछन लगा रहे हैं, अपने रक्त को कलंकित कर रहे हैं। सुकन्या, तुम्हारे पिताजी का संदेह दूर करने के लिए मैं प्रमाण देता हूं। यही चवन ऋषि है, चवन ऋषि यही है, यही चवन ऋषि है राजा शर्याति। विश्वास हो गया महर्षि। ओम शिवम। आप धन्य है, भूल में मेरे मुंह से जो भी अपमान सूचक शब्द निकले हो उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।
अचानक परिवर्तन में विश्वास न करना भूल नहीं मानव स्वभाव है राजन। बेटी। पिताजी, माँ, मेरी लाडली। सत्यवान की आयु अब केवल एक वर्ष की शेष रह गई। अल्पायु पति के लिए दीर्घायु करने वाले वट वृक्ष का निरंतर पूजन। सावित्री, संयम और सदाचार से ये व्रत करना। तुम्हारा हाथ कांप रहा है प्रिय। लाओ अंतिम तीन स्वस्तिक बनाकर मैं चित्रकारी पूरी करता हूं। नहीं आर्या, नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये पूरी हो। क्यों, तुम तो सदा पूर्णता में विश्वास करती हो, सभी इच्छाएं पूर्ण करती आई हो। कोई कोई इच्छा ऐसी भी होती है आर्य, जो पूर्ण होने पर मनुष्य शून्य हो सकता है, अपूर्ण रहने पर मनुष्य को साहस रहता है। आप कहें तो मैं एक व्रत करना चाहती हूँ। कैसा व्रत? निर्जल निराहार 3 दिन का उपवास, चौथे दिन पारण। ऐसा कठिन व्रत किस लिए प्रिय? पति की दीर्घायु के लिए। अरे मुझे क्या हुआ है, चाटा करता हूँ, डटकर परिश्रम करता हूँ और मेरी आयु तो तुम हो प्रिय। माता, मैं अपना अखंड सौभाग्य व्रत निर्विघ्न पूरा कर सकूं ऐसी शक्ति दो। व्रत पूरा होने तक तुम्हारी सेवा न कर सकूंगी माँ, मुझे क्षमा करना। शक्ति स्वयं सफल होती है बेटी सावित्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप सबकी इच्छा ही मेरा मनोबल है। हम सब की इच्छा है देवी आपका मनोबल बढ़े। हे दीर्घायु करने वाले वटदादा, नारद जी की भविष्यवाणी और यमराज के विधान के अनुसार आज से चौथा दिन मेरे पति के लिए घातक दिन है। पति की आयु बढ़ाने के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। मेरे सुहाग की रक्षा का भार तुम पर है। वृक्ष के नीचे सावित्री तप कर रही है, उसका तप खंडित करने की चेष्टा करो। सावित्री से टक्कर आने लगा है, टक्कर यम की आज्ञा का विचार नहीं पालन किया जाए। रे सत्यवान, तेरी दीर्घायु के लिए तेरी पत्नी कितना कठिन व्रत कर रही है,
और तू यहां चैन से सोएगा। जा, तेरा भी स्थान वही है। चंदर? हाँ मंदर। वो रही सावित्री। हाँ बस तो मैं सांप बनकर उसके पांव में ही लिपट जाता हूँ और उसका व्रत भंग कर देता हूँ। बेटी सावित्री अब आंखें खोलो। बहू जागो बेटी। तुम्हारा अखंड सौभाग्य व्रत पूर्ण हुआ। तुम्हारा सुहाग अटल रहे बेटी। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। सुखी रहो बेटी। अब पारण कर लो बहू। पारण। सखी 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 तू भाग्यशाली नहीं है सखी, ऐसा कठिन व्रत पूरा कर लिया। सुकन्या तू अकेली आई? अकेली तो सांस भी नहीं ले सकती, किंतु वे तो बुढ़े थे और ये युवा कौन टपक पड़ा? यही ना। ये देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की दया का फल है सखी, या सती के चरित्र का प्रताप है। सखी व्रत पूर्णाहुति के रूप में हम सभी मिलकर वट राजा से आशीर्वाद मांगे, वरदान मांगे, अमर सुहाग मांगे, उत्सव मनाए। No!
मेरा कर दारे अमर सुहाग कर दो वट राजा, मेरा कर दारे अमर सुहाग कर दो वट राजा। मेरी चुड़िया अमर करो, बिंदिया अमर करो, चुड़िया अमर करो, बिंदिया अमर करो, भाग में लागे नाग कर दो वट राजा। सावित्री के सुहाग की लाली धोने के लिए काल की काली बदली मंडरा रही होगी। सावित्री का सुहाग तुम्हारी लाज है, अपनी लाज रखना माँ, रक्षा करना, रक्षा करना। सावित्री के अखंड सौभाग्य व्रत का भी अंतिम दिन आज ही है मालूम। आर्य, आर्य, मेरी विनती है कि आप वन में आज न जाए। क्या उपरी? वो पारण का दिन है ना, मेरा मेरा मन नहीं चाहता कि आज आप पल भर के लिए भी मेरी आंखों से दूर रहे। नित्य कर्म में बाधा नहीं होनी चाहिए, संविधा तो लानी ही होगी। तो हाँ, तो मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। वन में कांटे चुभेंगे प्रिय, आज कांटों की चुभन भी सुख देगी। आर्य प्रिय, उपवास और व्रत से तुम निर्बल हो गई हो। नारी का बल पति ही होता है, आपके साथ निर्बलता कैसी? आज ही ऐसा हट क्यों? हट नहीं, आग्रह कर रही हूँ। बहू कैसा आग्रह कर रही है बेटा सत्यवान? देखिए ना पिताजी, 3 दिन के उपवास के बाद अब तक पारण नहीं किया और मेरे साथ बन चलने। पारण तो कर लेती बेटी। पारण तो सूर्यास्त होने पर पति पूजन करके ही करूंगी माताजी, ये मेरा संकल्प है। पिताजी, आर्य के साथ बन जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। बेटी, जब से हमारी पुत्र वधू बनकर आई हो, आज पहली बार हमारे सामने ऐसी इच्छा प्रकट की है, आनंद से जाओ। आज सत्यवान की आयु पूरी हो गई, वो जंगल में लकड़ी काटने आ रहा है, उसका अंत कर। जाओ। Are you?
सत्यवान को तक्षक ने जस दिया है। उसका प्राण खोपड़ी में अटका हुआ है, उसे ले आओ। वह सावित्री हुई तो क्या? मैं आपकी परछाई आपसे अलग नहीं हो सकती। जैसे पानी बिना मछली जी नहीं सकती, वैसे आपके बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। सावित्री के सत्य की ज्वाला सत्यवान की रक्षा कर रही है। सावित्री के होते हुए सत्यवान का प्राण हम तो क्या हमारे बाप भी नहीं ला सकते। सत्यवान का प्राण मैं लाऊं। I'm not sure.
कहा है पत्नी पति का आधा अंग है, पति के बिना यह आधा अंग किस काम का, इसलिए मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। आज तुम्हारे पति की मृत्यु विधि का विधान है, उसका प्राण ले जाना मेरा धर्म है। अपना धर्म पालते हैं, एक पत्नी का धर्म बिगाड़ कर मुझे पति से दूर मत कीजिए देवता, साथ ले चलिए। नहीं, तुम नहीं आ सकती। मेरे धर्म व्रत और सत्कर्म, मैं पति के प्रसाद जा सकूं ऐसी गति की शक्ति दो। पति के पीछे जहां तक तुम्हें आना चाहिए आ चुकी, अब जाकर उसके शव का दाह संस्कार करो। पति पत्नी का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जहां पति की आत्मा वही पत्नी की गति है। ये वैतरणी है सावित्री, इसके पास तुम आ नहीं सकती, इसलिए लौट जाओ। हे माता कामधेनु, आपके सहारे वैतरणी पार की जाती है, मुझे भी वैतरणी पार करा दो। हर्ष छोड़ के लौट जाओ सावित्री, आगे देवलोक है, वहां तुम सदैव जा नहीं सकती। जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी। क्या हुआ नारद जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कोई घटना हो गई? भयंकर युद्ध, घनघोर संग्राम। घनघोर संग्राम किसमें? सावित्री के सतित्व और यमराज के अहंकार। आज लगता है संसार से सतियों का नाम ही मिट जाएगा। धर्म व्रत सत्कर्म पूजन
इत्यादि का अवमूल्यन हो जाएगा। पहले पसीना तो पोंछ लीजिए नारद जी, सावित्री का हमें पूरा ध्यान है। आप जानती हैं, पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है। मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ सावित्री। सत्यवान के प्राण के सिवाय मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, कोई वर मांग लो। मेरे अंध सास ससुर को आंखें मिल जाए, वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए। सावित्री, ये त्रिशूल तुम्हें देवलोक पार करा देगा। आगे ब्रह्मलोक है पतिव्रते, वहां आज्ञा बिना देवता भी नहीं जा सकते। पति को पाना तुम्हारे लिए असंभव है, लौट जाओ सती, निष्फल प्रयास मत करो। प्रयास करना मनुष्य का धर्म है और धर्म ही धर्मराज को प्रिय है। फिर मुझे धर्म के मार्ग से विचलित होने का आदेश क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी धर्म संगत बातें सुनकर मुझे तुम्हारे पति भक्ति होती जा रही है सती। पति के प्राण के सिवाय कोई तीसरा वरदान लेकर लौट जाओ। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे माता पिता के 100 ऐसे प्रतापी पुत्र हों जो उनका वंश चलाए। तथास्तु। यमद्वार है सती, इसमें मेरी आज्ञा बिना कोई नहीं जा सकता, अब लौट जाओ। मैं अंतिम बार कहता हूं बेटी, अब लौट जाओ। बेटी, आपने मुझे बेटे कहा, आप मेरे धर्म के पिता हुए, क्या पिता अपने द्वार में जाने से पुत्री को रोकेंगे? ओह विचित्र हठीली, मैं पिता के नाते आज्ञा देता हूं कि अपने पति के प्राण के सिवाय कोई अंतिम वर मान लो और लौट जाओ। बल पराक्रम से परिपूर्ण, कुल को बढ़ाने वाले मेरे 100 औरस पुत्र हो। आपका आभार। अब भी खड़ी हो, पिता की आज्ञा नहीं मानोगी, नहीं लौटोगी? नारायण नारायण, कैसे लौटेगी? यमराज वरदान तो देते हैं पर वरदान की स्थिति को नहीं समझते। भला सोचिए तो, एक पतिव्रता नारी को पति के बिना पुत्र कैसे होंगे? मेरे पति का प्राण आपके हाथ में है, उन्हें जीवन दीजिए, अपना वरदान सच कीजिए। बेटी सावित्री,
तुमने सिद्ध कर दिया कि व्रत और सत्कर्म की शक्ति यम के नियम को भी तोड़ सकती है। सती, तुम जीती, मैं हारा। नारायण नारायण। यमराज, सत्यवान की आयु का लेखा देखने के साथ साथ सावित्री के सुहाग का भी लेखा देख लिया होता तो आज नारायण नारायण। ये तुम्हें तुरंत सत्यवान के पास पहुंचा देगा। जाओ, अपना संसार बसाओ, आनंद करो। मैं सत्यवान का प्राण छोड़ता। मैं बहुत देर तक सोता रहा ना प्रिय, जगाया क्यों नहीं? अरे रात बहुत बीत चुकी, सभी चिंता कर रहे होंगे, चलिए चलिए ना। पति, इस दुखियारी को क्षमा करो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और पति देव को त्रास दिया, मेरे सारे पाप फूट निकले, मैं महापापिनी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे ठीक कर दो। नारी के लिए सभी दुखों का निदान पति की सेवा है, अपने पति को प्रणाम करो, इन्हीं से क्षमा मांगो। हाँ। पति परमेश्वर। पति परमेश्वर। जय हो महासती की। महासती की जय हो। भैया। कौन है रे? बाबी। मुझे क्षमा करो बाबी, मैंने तुम पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, मैं घोर पापी हूँ, भाई की रक्षा, बेट के हाथ, मुझे क्षमा करो, रक्षा करो। पश्चाताप होते ही पाप में चाहते हैं, भाई उठो भाई। भैया धन्य हो भाभी, धन्य हो। भैया, पिताजी ने राज्य लौटाने का निश्चय करके तुम सबको बुलाया है। मैं आश्रम गया था, वहां तुम लोग भी नहीं थे और चाचा और चाची जी भी नहीं थे। माँ और पिताजी वहां नहीं थे? नहीं। कहां गए होंगे? आपकी आंखों में ज्योति आ गई, ये चमत्कार कैसे हुआ? सत व्रत और धर्म के आचरण से क्या नहीं हो सकता? एक चमत्कार है ये सत्कार, और पति व्रता के व्रत का एक उज्जवल पन्ना है भाई, नारी के जीवन पथ का स्वामी को जीवन दान दिया, सावित्री मेरा प्रणाम तुम्हें, ये जगत तुम्हें एक दिन देगा, एक महान
महासती का नाम तुम्हें मेरा कर दो रे अमर सुहाग कर दो हज राजा मेरा कर दो रे